हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं जो कि है यूनिट नंबर 2, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड इट्स बायसिंग। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है ट्रांजिस्टर के बारे में। तो इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के यूज देखेंगे, ट्रांजिस्टर का मतलब समझेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, कितने टाइप होते हैं, उसके कैसी बायसिंग हम कर सकते हैं, ये सारी बातें देख लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यूज से। तो ट्रांजिस्टर की बहुत ही ज्यादा वैरायटीज ऑफ यूजेज होती है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में यूज होता है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एरोप्लेन्स, कार्स, स्पेसशिप, बहुत सारी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है एक्चुअल में। तो उसके लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या देखा था हमने कि अगर आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को अगर आप कनेक्ट कराते हो तो एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता था। इसका मतलब अभी हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ऐसे आप दो पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट कराओगे एक दूसरे के साथ, तो जो डिवाइस बन के आएगी उसे हम बोल देंगे ट्रांजिस्टर। जैसे कि यहां पे मैंने लिख के रखा है पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पे भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, दोनों को आपने कनेक्ट कराया तो उससे एक ट्रांजिस्टर बन गया, जिसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल देंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी क्या? ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो पी टाइप जो हमारे सेमीकंडक्टर है उसके बीच में दो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने लगा के रखे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल लो कि ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो एन टाइप सेमीकंडक्टर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच किए गए हैं। अब दूसरा भी ट्रांजिस्टर है, वो भी ऐसा ही बनाएंगे, हमने ले लिया एक पीएन जंक्शन डायोड, दूसरा ले लिया पीएन जंक्शन डायोड, दोनों को कनेक्ट करा दिया तो जिससे बन गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी क्या? ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच करके रखे हैं। अब ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है उसे हम बोल देंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाई यानी क्या? दो पोल यानी क्या? दो पोल है इसके, ये दो पोल पी पी, ये दो पोल एन एन, बाई पोल हो गया। और जंक्शन है, यहां पे एन टाइप का जंक्शन है, यहां पे पी टाइप का जंक्शन है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दूसरे भी ट्रांजिस्टर आते हैं जैसे कि फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर FET, जो इस यूनिट में है नहीं, तो ये यूनिट में हम इसकी बात करने वाले नहीं है। और इस यूनिट में भी हम ज्यादातर एनपीएन की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एनपीएन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, पीएनपी से भी ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों एनपीएन की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उसका सिंपल आंसर है, हमें पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये पी टाइप में कौन से होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स? होल्स होते हैं। मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती थी? इलेक्ट्रॉन्स की, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा, यानी करंट का फ्लो ज्यादा। एनपीएन में मेजोरिटी हमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए करंट फ्लो ज्यादा होगा, इसलिए एनपीएन की जो एफिशिएंसी है वो पीएनपी से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि ये कॉम्बिनेशन तो देख लिए हमने, दूसरे भी कॉम्बिनेशन बचे हैं कौन से? जैसे कि एनपी प्लस एनपी, दूसरा है पीएन प्लस पीएन, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्या कारण है इसका? सिंपल रीजन है कि यहां पे हमने क्या कॉन्टेक्ट कराया है, पी और एन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं, और यहां पे N और P यानी सेम P और N को कनेक्ट किए हैं। P कैसा होता है? पॉजिटिव। N कैसा होता है? नेगेटिव। P में होल्स होते हैं पॉजिटिव, N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। अगर दोनों को कांटेक्ट में लाए हम PN, तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यानी डिफ्यूजन करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है होल में डिफ्यूज हो जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, जिसके कारण करंट का फ्लो होगा नहीं, इसलिए ये ट्रांजिस्टर पॉसिबल नहीं है, ये दो ट्रांजिस्टर पॉसिबल है। तो ये हो गई टाइप की बात ट्रांजिस्टर की। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर का। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे बना के रखा है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसे हम बोल देंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहां पे ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच करके रखा है।
अब ये जो एन टाइप है उसमें से एक टर्मिनल निकाल देंगे हम, जिसे हम बोल देंगे एमीटर। पी टाइप में से एक टर्मिनल निकालेंगे जिसे बोल देंगे बेस। एन टाइप में से टर्मिनल निकालेंगे जिसे बोल देंगे कलेक्टर। अब यहां पे कितने टर्मिनल है? तीन टर्मिनल है। जनरली जो हमारी डिवाइसेस होती है उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो चार होती है। कैसे? दो इनपुट की ट्रांसमिशन लाइन और दो आउटपुट की ट्रांसमिशन लाइन। यहां पे कितनी ट्रांसमिशन लाइंस है? सिर्फ थ्री ट्रांसमिशन लाइन है। अब यहां पे हम ये जो सारे जो हमारे जो टर्मिनल है उसे हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये बेस को एमीटर कलेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, एमीटर को बेस कलेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टर को बेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर बहुत ही फेमस हो गए। अब यहां पे ये ट्रांजिस्टर में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि अगर ए मीटर की बात करें, ए मीटर की बात, तो उसकी जो साइज होती है, उसकी जो साइज होती है वो कलेक्टर से थोड़ी छोटी होती है और बेस से बहुत बड़ी होती है। बेस से ज्यादा साइज है ए मीटर की, लेकिन कलेक्टर से थोड़ी कम है। अच्छा, अगर ये जो ए मीटर है उसकी डॉपिंग की बात करें, डॉपिंग यानी क्या? कुछ इंप्योरिटी हम इसमें मिला रहे हैं, तो ये ए मीटर की इंप्योरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि डॉपिंग सबसे ज्यादा की गई होती है। डॉपिंग करना यानी क्या? एन टाइप के अंदर हम कौन सी चीज का डॉपिंग करते थे? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम मिक्स करते थे। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने पर एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता था। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा डॉपिंग करोगे ए मीटर का, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। अब डॉपिंग क्यों ज्यादा करनी है हमें ए मीटर की? तो उसका रीजन ये है कि ए मीटर का फंक्शन क्या है? टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना। अगर इसका डॉपिंग ज्यादा किया ए मीटर का, तो क्या होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा, इसलिए ए मीटर का डॉपिंग सबसे ज्यादा किया गया होता है। बेस की बात कर ले तो बेस की साइज सबसे कम होती है, और इसका जो डॉपिंग होता है, इसका डॉपिंग वो भी सबसे कम होता है, यानी बहुत ही कम होल्स होते हैं इसमें। अब लास्ट कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर की साइज सबसे ज्यादा रखी होती है, और इसके अंदर जो डॉपिंग होता है वो ए मीटर से कम होता है, ए मीटर से थोड़ा कम होता है और बेस से थोड़ा ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी क्यों रखी? क्योंकि कलेक्टर का फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट दी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो कलेक्टर में कहां से भी आ सकते हैं, जैसे कि एमीटर में से भी आ सकते हैं, बेस में से भी आ सकते हैं। अगर कलेक्टर की साइज बड़े रखेंगे तो ये कलेक्टर अच्छे से इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर सकेगा। तो ये सारी बातें थी हमारी ये कंस्ट्रक्शन की। अब हम देखेंगे कि डायोड कब एक्टिव होता है, कब वो डीएक्टिव होता है, यानी उसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की बात करेंगे। यहां पे दो सर्किट डायग्राम बना के रखे हैं, सर्किट वन सर्किट टू। अब ये दोनों डायग्राम पे से हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। जैसे कि यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने एमीटर और बेस को कनेक्ट कर दिया है और यहां पे हम इनपुट दे रहे हैं, तो क्या कलेक्टर में हमें आउटपुट मिलेगा? ये ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करेक्ट है, एक्टिव है। दूसरी सर्किट में हमने क्या किया है, बेस और कलेक्टर को साथ में कनेक्ट कर दिया है, यहां से हम इनपुट दे रहे हैं, तो यहां पे इनपुट देने के कारण क्या एमीटर में हमें आउटपुट मिलेगा? क्या ये कनेक्शन एक्टिव ट्रांजिस्टर के हैं या नहीं? तो ट्रांजिस्टर कब एक्टिव है, कब वो एक्टिव नहीं है, कब करंट फ्लो कराएगा, कब करंट को रोकेगा, तो वो समझने के लिए हमें दो जंक्शन के बारे में समझना होगा। कौन से दो जंक्शन? तो देख लेते हैं। यहां पर ये एक जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन किसके बीच में है? बेस और एमीटर के बीच में है, तो इसे हम बोल देंगे एमीटर जंक्शन, ठीक है। बेस और एमीटर के बीच में है तो एमीटर जंक्शन या एमीटर बेस जंक्शन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये वाले जंक्शन की बात करते हैं, तो ये कौन सा जंक्शन है? बेस और कलेक्टर के बीच का, तो इसे बेस कलेक्टर जंक्शन भी बोल सकते हो, या फिर हम बोल देंगे इसे कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से यहां भी देख लेते हैं, ये जो जंक्शन है हमारा, ये वाला, ये कौन सा जंक्शन हो गया? ये हो गया हमारा एमिटर जंक्शन, और ये जंक्शन जो हमारा है वो कौन सा हो गया? ये हो गया कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, कौन सी? कि जब एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तभी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में आता है। कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए? एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस यानी क्या? एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, इसका मतलब
ट्रू कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन यानी प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस यानी क्या कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये वाला बेस, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और ये एन टाइप वाला है उसे यानी एमीटर, उसे नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब ऐसे कनेक्शन करोगे आप तभी जाके हम बोल देंगे ये जो हमारा एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है, जिसका मतलब हमारा डायोड एक्टिव है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारा जंक्शन है कलेक्टर जंक्शन, इसे अगर हम फॉरवर्ड बायस कर दे तब क्या ये एक्टिव होगा? तो तब ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो भी देख लेते हैं। अब ये जंक्शन जो है कलेक्टर जंक्शन, सॉरी एमिटर जंक्शन, फॉरवर्ड बायस में किया। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हमें पता है कि डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, जिससे करके आसानी से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके चले जाते हैं, करंट का फ्लो हो जाता है। अब एमिटर में हमने क्या किया था, डोपिंग बहुत ही ज्यादा किया था, यानी एमिटर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जिससे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट का फ्लो मिलेगा। अब यहां पे ये जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है उसमें भी फॉरवर्ड बायस करने पर डिप्लेशन लेयर कम होगा, पोटेंशियल बैरियर कम होगा, लेकिन कलेक्टर के पास डॉपिंग कम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी करंट का फ्लो बहुत ही कम होगा। इसलिए हमेशा से हम क्या याद रखेंगे कि जो एमिटर जंक्शन है उसे ही हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, और तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज रिवर्स बायस में हो जाएगी। तो यहां पे देख लेते हैं ये कौन सा है एमिटर जंक्शन, तो इसे हम किस में रख देंगे, इसे हम रख देंगे फॉरवर्ड बायस में। तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉरवर्ड बायस यानी क्या, ट्रू कनेक्शन, करेक्ट कनेक्शन, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की बैटरी का टर्मिनल, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है वो यहां कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया कैसे एक्टिव होता है, कैसे बायसिंग होती है। अब यहां पे हम इसका सिंबल भी देख लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो ऐसा कुछ सर्कल बना देना, ऐसे तीन लाइनें ऐसे बाहर निकाल देना। ठीक है, हमारा ये हो गया एमिटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया बेस। बेस हमेशा बीच में ही है एमिटर और कलेक्टर के। ठीक है, अच्छा अब एमिटर किसका है, सेमीकंडक्टर एन टाइप का। ठीक है, यहाँ पे बेस जो है वो पी टाइप का है, और ये कलेक्टर एन टाइप का, तो कलेक्टर एन टाइप का। अब एरो की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एरो ये साइड बताना है एमिटर की साइड, या पी से एन की तरफ जाते हुए बताना है। ऐसा क्यों बताना है, क्योंकि हमने पीएन जंक्शन डायोड का ऐसा कुछ सिंबल देखा था जिसमें क्या बोला था, जब पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे तब फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट ऐसे फ्लो होता था पी से लेके एन, तो यहां भी करंट पी से लेके एन फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पी से एन फ्लो हुआ यानी बेस से एमिटर में चला जाएगा करंट। ठीक है, अब बेस से एमिटर में करंट जाने वाला है लेकिन बेस से कलेक्टर में करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बेस और कलेक्टर है यानी कलेक्टर जंक्शन है वो किस में है, रिवर्स बायस में है, यानी यहां पे करंट जा नहीं पाएगा, यहां से यहां करंट जा पाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो सेम सिंबल होगा, पीएनपी लिख देंगे, एरो का डायरेक्शन ये साइड कर देना पी से लेके एन। तो ये सारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑपरेशन देखेंगे, ये वर्क कैसे करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।